पूज्य मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज जी ने एक छोटी सी कविता लिखी है, उसी में प्रश्न है। मैंने एक बच्चे से पूछा, भगवान कितना बड़ा? उसने अपने दोनों हाथ फैलाए और जैसे मुझसे कहा, जितना जिसके जीवन में समा जाए भगवान उतना बड़ा। तो प्रश्न यह है महाराज जी कि भगवान अपने जीवन में कैसे समाता है? जब भी कोई गलती होती है तब गुरु जी का एहसास होता है, माता पिता का एहसास होता है, लेकिन अपने अंदर बैठे हुए परमात्मा का एहसास बहुत कम होता है। ऐसा क्या करें कि आती जाती सांस में भगवान का स्मरण आता रहे? पहली बात तो है कि भगवान एक ऐसी भक्त की कल्पना होती है जो उसको अनेक रूपों में देखता है, क्योंकि भक्त कभी साक्षात भगवान को तो देख नहीं पाता। जो भगवान का स्वरूप होता है वह उनके ज्ञान का विषय नहीं बनता। अरहंत को भी देखा गया तो बाहर से शारीरिक मुद्रा देखेगा, जो भगवत्ता है अनंत चतुष्टय रूप वो कभी भक्त के ज्ञान का विषय नहीं बन पाता। इसलिए भक्त भगवान को अनेक रूपों में देखता है। एक छोटी सी मूर्ति में भी वह भगवान देखता है, एक बड़ी मूर्ति में भी भगवान देखता है, और वह अपने हृदय में भी भगवान देखता है। भगवान के जितने भक्त होते हैं उतने प्रकार से भगवान की कल्पना भक्त करता रहता है, क्योंकि भक्त को कभी एक रूप वाला भगवान नहीं चाहिए, अनेक रूप वाला भगवान चाहिए। एक शक्ति वाला भगवान नहीं चाहिए, अनेक शक्ति वाला चाहिए, क्योंकि उसके जीवन में जितनी समस्याएं हैं उतने प्रकार की दवाई चाहिए, जितनी समस्याएं हैं उतने प्रकार के मंत्र चाहिए, जितनी समस्याएं हैं उतने प्रकार का भगवान चाहिए, जितनी समस्याएं हैं उतने प्रकार की मूर्ति चाहिए। इसलिए वो एक मूर्ति में संतुष्ट नहीं होता, वो कहता नहीं वहाँ की मूर्ति का अभिषेक करूँगा। अरे भाई वही भगवान तो हैं, भगवान तो एक ही था। बोले भगवान से मतलब नहीं है, हमारा भगवान कितना है। अब देखना, एक आदिनाथ भगवान है, लेकिन भक्त के भगवान कौन से हैं, कौन से आदिनाथ हैं? भक्त के आदिनाथ कौन से हैं? भगवान आदिनाथ तो एक थे, नाभि राय के तो एक ही बेटा था, वो एक ही थे, लेकिन भक्त के भगवान हैं? आप वो कहते सासनदीचित, और कोई कहता नहीं मेरे भगवान तो कुंडलपुर के बड़े बाबा आदिनाथ, कोई कहता सांगानेर के आदिनाथ, कोई कहीं के आदिनाथ, कोई कहीं के आदिनाथ कहता। अब बोलो भगवान का भक्त ने कितने रूपों में बांट दिया। इसलिए भगवान की जो कल्पना भक्त करता है उस भक्त को अधिकार है, वह भक्त को अधिकार है। वो भगवान अपने भगवान को किस रूप में देखना चाहता है, जिस रूप में भक्त देखना चाहता है वही उसका भगवान है। भगवान कैसा है ये उसकी कुवत नहीं है। भगवान देखना चाहता है कि इस समय भगवान मेरे शोक को दूर करे, उसको शोक हो रहा है, गम में है। अब उसे कौन सा भगवान चाहिए? उन्हें वो भगवान चाहिए जो अशोक वृक्ष के नीचे बैठा हो, उसका ध्यान करेंगे उसकी उसको ताकत मिलेगी। अब भगवान के कितने रूप बना लिए? 1008 रूप बना लिए सौ धर्मेंद्र सहस्रनाम। इसलिए भक्तों का जो भगवान होता है वो भक्त की दृष्टि और सोच के अनुसार होता है, और जो ध्यान करने योग्य भगवान होता है, एक ध्यान करने योग्य भगवान होता है, एक उपकारी भगवान होता है। एक भगवान वो होता है जिससे मुझे कुछ चाहिए है, उपकार करे, वो अनेक रूप में होता है। और एक वो भगवान होता है जो स्वयं भगवान बनना चाहता है, वो अनेक रूप नहीं होता, उसका एक रूप होता है। इसलिए जब साधु ध्यान करता है भगवान का, तब उसी रूप में ध्यान करता है जिस रूप में भगवान है, यथार्थ रूप। जो जान दी अरहंताणम दब्बत गुण तपज्जे ही, जैसा भगवान है वैसा ही गुण, वैसा ही द्रव, वैसी पर्याय, वैसा ही ध्यान करेगा तो वह व्यक्ति एक दिन भगवान बन जाएगा। लेकिन भक्त
भगवान नहीं बनना चाहता है, भगवान से अपनी समस्याओं का समाधान चाहता है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति चाहता है। तो जब समस्याओं का समाधान चाहता है भगवान से, तो भगवान को इतने रूपों में देखता है जितने रूप में उनकी समस्याएं होती हैं, ऐसा मानना चाहिए।